What's up class 11th, welcome back to the channel. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने business studies और economics की वीडियो enjoy करी आज की. तो आज की last वीडियो लेकर आए हैं, that is accountancy. First day of revision हमारा बहुत अच्छा रहा है. मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप साथ साथ पढ़ रहे हो. रिविजन का रोज का काम आपने रोज कंप्लीट करना है, आपने मुझे प्रॉमिस करा है. रोज करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे. तो चलो अब अकाउंट्स की बात करते हैं. अब जो लोग डायरेक्टली अकाउंट्स की वीडियो पे आए हैं वो जाकर बिजनेस स्टडीज की एज वेल एज इको की वीडियोस भी देखिए और 60 डेज में हमारे साथ इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कीजिए और बहुत अच्छा स्कोर कीजिए. तो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज रजत अरोड़ा. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आएगी. और इन सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे मैंने प्रॉमिस करा था मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर रहा हूँ, एज वेल एज अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर रहा हूँ. तो दोनों जगह आप ज्वाइन हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए और इस पूरे 60 डेज का फायदा उठाइए. तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने 2 डेज दिए हैं जिसके अंदर भी मैं एक क्वेश्चन आज अपलोड कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कल अपलोड करूंगा. इसके अलावा मैं 6 से 8 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट वाले अपलोड करूंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर. तो वहां जाइए और वहां जाकर आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. वो करने के बाद आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन हो जाएगा खत्म. जो भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चंस के साथ. इसको अगर डिटेल में आपने पढ़ना है तो मेरी वो भी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अकाउंटिंग क्वेश्चंस के अगर रूल्स के बारे में बात करें तो याद करो एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स. कम से कम हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होंगे ही होंगे, मतलब वो कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है. उसके बाद प्रॉफिट्स विल बी एडेड टू द कैपिटल, लॉसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. अगर कोई भी प्रॉफिट है वो कैपिटल को बढ़ाएगा तो कैपिटल में प्लस करा जाएगा और कोई भी लॉसेस है तो वो कैपिटल में से माइनस कर जाएगा. सेम केसेस एक्सपेंसेस और इनकम के साथ भी है. ये अगर कोई एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट्स में से या कैपिटल में से माइनस होगा और अगर कोई इनकम है तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगी. इसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, सिर्फ ट्रांजेक्शंस ऑफ करंट ईयर विल बी कंसिडर्ड. ट्रांजेक्शंस ऑफ करंट ईयर ओनली विल बी कंसिडर्ड. अब करंट ईयर से क्या मतलब है सर, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चलती है हमारे पास, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराया. ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें मैंने सारी वो ट्रांजेक्शन ली हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है. तो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए. अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. अब क्या है, Started business with cash, goods and furniture. Cash, goods, furniture के साथ business start करा. तो आपको याद होगा, सबसे पहले हम accounting equation लिखते हैं basic. Basic लिखा, assets is equal to liabilities plus capital. अब जो भी assets आएंगे हम लोग नीचे लिखेंगे, जो भी liabilities आएंगे यहाँ पर लिखेंगे. तो business start करा है cash, goods, furniture के साथ. मैंने लिखा cash, goods and furniture. Cash में 1 lakh, goods में 50,000, furniture में 50,000. Total capital कितना include हो गया, 2 lakh rupees. First transaction बहुत simple. दूसरा क्या है, sold goods for cash costing 20,000 for 25,000. मतलब कि 20,000 वाले goods हमने sale करे हैं 25,000 rupees में. तो जल्दी से बताइए कितना profit है, 5,000 rupees. मैंने यहाँ पर लिखा है सारे profits capital में add हो जाएंगे. तो capital में हमने add करा 5,000 का ये profit है. इसके बाद गुड्स कितने के गए आपके पास से, 20,000 rupees के. गुड्स में से माइनस करा 20,000 और कैश कितना मिला, 25,000 rupees. ये ध्यान रखना गुड्स में से सिर्फ कौन सी वैल्यू माइनस होगी, कॉस्ट प्राइस, जितनी उनकी कॉस्ट थी. कैश कितना रिसीव हुआ, सेलिंग प्राइस, और जो भी बीच का डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस वो कैपिटल में एडजस्ट होगा. इसके बाद हमने एडजस्ट करा, ये आ गया 1 lakh प्लस 25, 125, ये एज इट इज 30, ये 50 और 2 lakh 5,000. थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%. फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दीजिए 10% से. अब सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे जैसे हम फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन. तो वैल्यू कम करनी है तो फर्नीचर से 10% यानी 50,000 में 10%, 5,000 यहाँ से माइनस करा और ये आपका लॉस है, सारे लॉसेस कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे. तो 2,05,000 में से 5,000 हमने कर लिया माइनस. 125, 30, 45 और 2 lakh. ध्यान रखिए हर स्टेप के बाद आपकी इक्वेशन मैच होनी चाहिए. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है, दोनों साइड एट एवरी ट्रांजेक्शन आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपकी इक्वेशन मैच होगी.
इसके बाद क्या है, अब ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही सबसे ज्यादा परेशान भी करते हैं, बहुत ध्यान से समझेगा। वेजेस पेड 11,000, स्टिल आउटस्टैंडिंग 1,000। देखो क्या है, वेजेस मैं 11,000 पे कर चुका हूं, अभी और कितनी पे करनी है 1,000। तो क्या सर इस साल की 12,000 है कि 11 तो मैं पे कर चुका हूं, 1 मैंने अभी और पे करनी है। तो हमारे पास करंट ईयर की वेजेस है कितनी, 12,000 रुपीज। मैंने यहां पर लिखा है ये रूल, ट्रांजैक्शन सिर्फ कौन सी कंसीडर होंगी, करंट ईयर। तो अब हमारे पास बहुत ध्यान से समझिएगा, तीन यहां पर एडजस्टमेंट होंगी। वेजेस पे कितनी हुई 11,000, कैश में से कर दो माइनस। अभी और रहती कितनी है 1,000, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो खर्चा जो अभी ड्यू है, पे होना है। तो ऐसे खर्चे को हम लोग, कोई भी चीज ड्यू है और पे होनी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी लाइबिलिटी। इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लाइबिलिटी में दिखाया 1,000 रुपीज। और उसके बाद क्या हुआ है, 1,000 के बाद क्या हुआ है, टोटल करंट ईयर की कितनी हमारे पास हुई वेजेस 12,000, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा क्योंकि इस बार का एक्सपेंस कितना है 12,000 रुपीज। दोबारा समझ लीजिए, कैश में से वो जो माइनस हो चुका है, जा चुका है 11,000, और कितना देना है जो लाइबिलिटी है 1,000, और टोटल एक्सपेंस कितना हुआ करंट ईयर का 12,000। फिर इक्वेशन बना दीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान से समझिए। इसके बाद क्या है, सैलरी पे 13,000 इंक्लूडिंग 1,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब देखो फिर से समझो, सैलरी पे कितनी हुई 13,000, जिसमें से 1,000 कब की है, अगले साल की, तो इस साल की कितनी है 12,000। तो कैपिटल में तो सिर्फ 12,000 ही एडजस्ट होगा, पे कितनी हुई 13,000, कैश में से माइनस करा 13,000। अब कोई भी चीज हम लोग एडवांस में अगर पे कर देते हैं तो वो हमारा एसेट बन जाता है और प्रीपेड हो जाता है। वो यहाँ पर एसेट में लिखा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसमें लिखा कितना था प्रीपेड 1,000 रुपीज, ये प्रीपेड आ गया, और इस साल का हुआ कितना 12,000, वो कैपिटल में से माइनस हो गया। मतलब कि कैपिटल में से तो सिर्फ वही माइनस या प्लस होगा जो कि करंट ईयर का है, कैश में से वो जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और बीच का डिफरेंस आएगा वो चार टर्म्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या अनअर्न्ड। दो हमने डिस्कस करी, लास्ट सेकंड लास्ट, रेंट रिसीव्ड 5,000, स्टिल रिसीवेबल 1,000। इसका क्या मतलब है, रेंट मिल चुका है 5,000, अभी और मिलना है 1,000, तो टोटल इस साल का कितना हुआ 6,000, कैपिटल में हमने प्लस करा 6,000, जितना मिल गया 5,000 वो कैश में प्लस कर दिया। अब जो मिलना है वो हमारा एसेट है, वो लिखा जाएगा एक्रूड रेंट के नाम से या एक्रूड इनकम के नाम से। मेरे पास स्पेस कम थी, मैंने ऊपर लिखा, आप इसके साथ ही लिखेंगे। एक्रूड इनकम कितना दिखाया 1,000 रुपीज। इक्वेशन आ गया 1,06,000, 30,000, 45,000, 1,000, 1,000 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 1,82,000। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। लास्ट क्या है, कमीशन रिसीव्ड 2,000, रिसीव हुई 2,000, इंक्लूडिंग 1,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, जिसमें 1,000 अगले साल की है, तो इस साल की कितनी हुई 1,000। तो कैपिटल में कितना ऐड करेंगे 1,000, रिसीव कितनी हुई 2,000, कैश में ऐड करेंगे 2,000, और जो अगले साल का मिल गया, जो कोई भी चीज एडवांस में मिलती है तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। लाइबिलिटी को दिखाया अनअर्न्ड इनकम के नाम से, अनअर्न्ड इनकम यहां पर 1,000 रुपीज सेपरेटली दिखाया। तो लास्ट इक्वेशन क्या बनी, 1,08,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, 1,000 इज इक्वल टू 1,000 1,83,000। आई होप आपको ये गाइस क्लियर है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिएगा, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, ताकि हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगे और इसी तरीके से हम काम करते रहे। थैंक्स अ लॉट गाइस, कल मिलते हैं हम आपको नई वीडियोस के साथ। आज के लिए यही तीन वीडियोस हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।